नमस्कार दोस्तों, एबीवी टैग में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि पावर वीपीएन ऐप क्या और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको पावर वीपीएन फास्ट सिक्योर वीपीएन ऐप करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, इस ऐप का रिव्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, जो कि इधर 4.2 है और इसकी डाउनलोडिंग है वो डाउनलोडिंग 10 मिलियन प्लस हो चुकी है, जो कि डाउनलोडिंग भी काफ़ी अच्छी है। और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो दोस्तों, देख सकते हो। उसी तरह से इस ऐप को यहाँ से हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, इसका इंटरफेस रहेगा वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपके सामने इधर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो, कुछ ही देर में हमारे सामने इधर इसका इंटरफेस रहेगा वो कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसी तरह से यहाँ से आपके सामने इंटरफेस आएगा और उसी तरह से यहाँ से हमारी जो भी ऐप रहेगी वो ओपन होने लगेगी। तो दोस्तों, देख सकते हो, उसी तरह से यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जैसे हमारी जो भी ऐड आई थी वो साइड से रिमूव हो जाएगी। और उसी तरह से यहाँ से आपके सामने इधर सिलेक्टेड यानी अपने जो भी ऑप्शन सर्वर है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो, उसी तरह से यहाँ से आपके लिए जो भी आप सर्वर सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो यहाँ से आपको तो देख सकते हो। उसी तरह से यहाँ से आप कौन सा भी सर्वर यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो उसी तरह से इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से हमारे जो भी सर्वर रहेंगे वो यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो, उसी तरह से यहाँ से हम कौन सा भी एक सर्वर को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, देख सकते हो, उसी तरह से इस सर्वर को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करना है, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से हमारे जो भी देख सकते हो जो कि सर्वर का ऐड हो चुका है, उसी तरह से ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से हमारे जो भी सर्वर वीपीएन सर्वर रहेगा वो कनेक्टेड हो जाएगा। कनेक्टेड हो जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से हमारे जो भी नेट की स्पीड रहेगी वो बहुत ही फास्ट रहेगी। और उसी तरह से यहाँ से हमारे जो भी सर्वर आपको इधर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो, उसी तरह से यहाँ से हमारे जो भी सर्वर है वो इधर आपको इसकी टेस्ट स्पीड टेस्ट देखोगे तो उसी तरह से यहाँ से आपको देख सकते हो, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसकी स्पीड टेस्ट आपको इधर देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ से इसकी स्पीड है वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपको डाउनलोड और अपलोड की भी स्पीड देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ से हमारे जो भी डाउनलोड है वो कम से कम कितने Mbps है। तो यहाँ से अपना जो भी ऑप्शन रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो, उसी तरह से इसकी डाउनलोडिंग है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि यहाँ से हमारे जो भी डाउनलोडिंग स्पीड है वो कम से कम 8.71 Mbps है। और उसी तरह से अपलोड की स्पीड देखोगे तो अपलोड की देख सकते हो, जो कि अपलोड भी काफ़ी अच्छी है। और उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी अपलोड की स्पीड, उसी तरह से ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। उसी तरह से यहाँ से हमारे स्किप करके यहाँ से साइड से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों, यहाँ से अपलोड और डाउनलोड डाउनलोड की स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो उसी तरह से यहाँ से इसका टेस्टिंग का आप मालूम कर सकते हो। और उसी तरह से यहाँ से हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों, इस सर्वर को आप डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो क्या करना है, सिंपली इस वाला ऑप्शन पर आपको वापस क्लिक कर देना है, क्योंकि ऐसे हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्ट और डिसकनेक्ट आसानी से हो जाएगा। तो उसी तरह से ऐसे हमने ट्राई किया तो दोस्तों, देख सकते हो, ऐसे हमारा जो भी सर्वर है वो आसानी से आप कनेक्ट और डिसकनेक्ट आसानी से कर सकते हो। और उसी तरह से इधर ऑप्शन भी आपको ऊपर की तरह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने सर्वर को डिसकनेक्ट किया तो उसी तरह से ऐसे आप कनेक्ट और डिसकनेक्ट भी कर सकते हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।